1433 में अफनासी निकेतिन का जन्म रशिया के त्वेर शहर में हुआ। वोल्गा नदी के किनारे बसा त्वेर रशिया का एक बड़ा ट्रेडिंग सेंटर था, जहाँ की हवा में ही व्यापार था। इस माहौल का असर अफनासी निकेतिन पर भी हुआ और उन्हें एक बिजनेस आइडिया आया। आइडिया बहुत सिंपल था, घोड़े बेचना। उन्होंने कहीं से सुना था कि भारत में अच्छी नस्ल के घोड़े नहीं हैं, तो वो किस्मत आजमाने रशिया से एक घोड़ा और अपनी डायरी लेकर टिफिन की आकार की छोटी सी डब्बा नाव में बैठकर भारत के लिए निकल गए। निकेतिन और भारत के बीच अब तीन समंदर थे, कैस्पियन सी, ब्लैक सी और अरेबियन सी। उन्हें लगा था वो ये सफर 6 हफ्तों में पूरा कर लेंगे, लेकिन उन्हें इन तीन समंदरों को पार करने में लगभग 52 हफ्ते लग गए। फाइनली वो 1469 में खंभट की खाड़ी पहुंचे। खंभट गुजरात का एक इम्पोर्टेंट पोर्ट था, जो खासकर कपड़े के बिजनेस के लिए जाना जाता था। भारत में निकेतिन ने सबसे पहले इंडिगो डाई यानी नील खरीदा, क्योंकि इस खास इंडियन डाई के बारे में उन्होंने रशिया में बहुत सुना था। गुजरात के बाद निकेतिन अपना घोड़ा बेचने चौल पहुंचे। यहां उन्हें बहामनी सल्तनत के बारे में पता चला, जो उस समय डेक्कन का एक बड़ा इस्लामिक राज्य था। चौल में निकेतिन को अपना बिजनेस आइडिया सफल होते हुए दिखाई दिया और किस्मत से उन्हें घोड़े का एक ग्राहक भी मिला। वो ग्राहक था असद खान। असद ने कहा कि वो घोड़ा खरीद लेगा अगर निकेतिन उसके साथ जुन्नर चले। निकेतिन बहुत खुश हुए और वहाँ जाने को राजी हो गए, पर जुन्नर पहुँचने पर असद खान ने उन्हें एक बड़ा झटका दिया। उसने कहा कि निकेतिन अगर इस्लाम कबूलें तो ही वो घोड़ा खरीदेगा। निकेतिन अब क्या करते, वो फंस चुके थे। लेकिन तभी वहाँ एक तुर्की के मंत्री मोहम्मद खुरसान आए, जिन्होंने उन्हें बचाया और दगाबाज असद खान को डांटा और कहा, अगर हम अपना मजहब किसी पर जोर जबरदस्ती थोपते हैं तो उससे मजहब की अहमियत नहीं बढ़ती बल्कि कम हो जाती है। इस मदद के लिए निकेतिन मोहम्मद खुरसान के शुक्रगुजार तो हुए ही, दोनों की दोस्ती भी गहरी हो गई। निकेतिन अब खुरसान के साथ हो लिए और उन्होंने अपना रुख बहामनी राज्य की राजधानी बिदर की तरफ किया, इस उम्मीद में कि क्या पता वहाँ कोई घोड़े का ग्राहक मिल जाए। निकेतिन बताते हैं कि लोग उस समय अपने घर के आंगन में व्यापारियों को विश्राम करने की सुविधा देते थे। घर की महिला उनके खाने सोने और उनके हर सुख का ख्याल रखती थी। यहाँ उन्होंने पहली बार नारियल और कटहल से बनी वाइन पी, जो उन्हें पसंद आई, और देसी घी तो उन्हें लाजवाब लगा। बिदर में जब उन्हें पता चला कि भारत में तो घोड़े पहले से हैं और यहाँ के लोग गाय बैल पालना ज्यादा बेहतर समझते हैं, तो वो काफी निराश हुए। फिर भी वो कुछ महीने और बिदर में रहे और खुशकिस्मती से उन्हें एक ग्राहक भी मिल गया और उन्होंने अपने घोड़े को अच्छी कीमत पर बेच दिया। घोड़े को बेचकर जो पैसे आए उनसे निकेतिन और चीजें खरीदने नए शहरों में निकल गए। बिदर के बाद निकेतिन विजयनगर साम्राज्य पहुंचे। विजयनगर उस समय दक्षिण का दूसरा बड़ा राज्य था। वहां उन्होंने रायचूर और गोलकुंडा की हीरे की खाने भी देखी। यहाँ की हीरो की पूछ पूरे विश्व में थी और दुनिया के सबसे बेशकीमती हीरो में से एक कोहिनूर भी गोलकुंडा की खान का ही है। वहां से वो श्री साइलम गए और मल्लिकार्जुन मंदिर के साइज को देखकर तो वो चौंक ही गए। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है कि ये मंदिर उनके शहर त्वेर के आधे हिस्से जितना बड़ा है। यहाँ पर उन्हें ये भी एहसास हुआ कि भारत में गाय बैल का ज्यादा चलन इसलिए है क्योंकि वो उनके लिए एक धार्मिक महत्व रखते हैं। गाय के गोबर का इस्तेमाल ईंधन के रूप में भी होता था। व्यापारी निकेतिन फिर दक्षिण के बड़े बाजार कोहिकोड़ गए, जो केरला में है। वो बताते हैं कि कोहिकोड़ बड़ा पोर्ट था, जहां से खासकर मसाले जैसे काली मिर्च, अदरक, जायफल, दालचीनी, लौंग और भी कई मसाले विदेशों में भेजे जाते थे। यहां उन्होंने मसालों की खरीदारी भी की। निकेतिन को अब भारत आए 3 साल हो चुके थे। उनका मकसद पूरा हो गया था, घोड़ा बिक गया था और अब उन्हें घर की बहुत याद आ रही थी। भारत के व्यापार की समझ, अपना खरीदा सामान और अपनी डायरी लेकर 1471 में वो महाराष्ट्र के ढाबोल से अपने घर को निकल गए।
अफसोस, उनका अपने शहर को फिर से देखने का सपना अधूरा ही रह गया। वो रशिया तो पहुंच गए थे, लेकिन अपनी जन्मभूमि त्वेर से थोड़े ही पहले 1472 में बीमारी से दुर्भाग्यपूर्ण उनकी मृत्यु हो गई। जीवन के आखिरी क्षणों तक भी निकितिन अपनी डायरी लिखते रहे। सौभाग्य से वो डायरी रशिया के राजकुमार आइवन तृतीय तक पहुंच गई और तीन समुद्रों पार नाम की किताब से निकितिन हमेशा के लिए अमर हो गए। निकितिन की डायरी से रशिया के लोगों में भारत को लेकर एक खास रुचि पैदा हुई और धीरे धीरे दोनों देशों के लोगों के बीच मैत्री की परंपरा शुरू हो गई। 1957 में निकितिन के जीवन पर बनी फिल्म परदेसी ने इस दोस्ती पर पक्की मोहर लगा दी। आखिर में परदेसी फिल्म का एक गाना याद आता है, फिर मिलेंगे जाने वाले यार, दस विदानिया, दस विदानिया निकितिन।